आइए इस वक्त हम आपको सीधे संभल लिए चलते हैं, जहां शहीद सुदीश को अंतिम विदाई दी जा रही है। देश की रक्षा करते हुए अपने जान न्यौछावर कर दिए थे सुदीश ने। और सुदीश जब सीमा पर तैनात थे, उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर उल्लंघन किया गया, पाकिस्तानी सेना की तरफ से फायरिंग की गई और उसमें डटकर मुकाबला किया सुदेश कुमार ने अपने तमाम साथियों के साथ, और वो शहीद हो गए। आज इस वक्त उत्तर प्रदेश के संभल में सैनिक सम्मान के साथ शहीद सुदेश कुमार को अंतिम विदाई दी जा रही है। पूरा परिवार गम में डूबा हुआ है, गांव में शोक की लहर है, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हुई है। और एक समय ऐसा भी आया था जब परिवार ने ये कह दिया था, पिता ने कहा था कि हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वहां नहीं आए हैं। लेकिन अब शहीद सुदीश का अंतिम संस्कार इस वक्त किया जा रहा है। सुदेश के छोटे भाई भी सेना में हैं और वो कहते हैं कि भाई की मौत का बदला मैं लूंगा। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं संभल, जहां पर अंतिम संस्कार हो रहा है। हमारी संवाददाता मौसमी सिंह वहां पर मौजूद हैं। मौसमी, संभल में इस वक्त हर किसी की आंखें नम हैं और जहां आप मौजूद हैं वहां हमारा एक जाबाज पीछे उसकी चिता जलती हुई दिख रही है, सब उसे सलाम कर रहे हैं। क्या कुछ आप बता सकती हैं, परिवार का गम, गांव का माहौल? मौसमी जी, बिल्कुल शहीद, इस वक्त शहीद सुदीश कुमार को पूरे राजकीय सम्मान और पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। और ज़रा देखिए कितने हजारों का हुजूम यहाँ पे उमड़ा, दूर दूर से लोग जो है इस योद्धा को, इस बहादुर वीर को, इस देश के बेटे को सलामी देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए आए। यहाँ पे हर आँख नम थी, कोई दूर दूर तक, अगर देख नहीं पा रहे आप देख रहे हैं, दूर दूर तक लोग पेड़ पे खड़े हैं, कोई कहीं से देख रहा है, एक झलक इस वीर योद्धा की मिल जाए बस इस आस से लोग दूर दराज से शहीद सुदीश कुमार को श्रद्धांजलि देने आए। और उनकी राजपूत रेजिमेंट भी ने उनको सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी। ये वो विदाई थी जिसके बाद सभी आंखें नम हैं, सभी लोग ये सलामी दे रहे हैं कि वो देश का जो वीर है, जो जिसने अपनी परम आहुति दी, अपनी जान की कुर्बानी दे दी, हमेशा देश को आगे रखा, उसको हम शत शत नमन करते हैं, उसकी उसके जोश जज्बे और जुनून को सलाम करते हैं। शहीद, बहुत धन्यवाद मौसमी। और संभल, उत्तर प्रदेश के संभल में शहीद सुदीश को